नाम है इंदु और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बालाजी क्लासेस में। आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज से है। हम अभी डिस्कस कर रहे थे सेमाफर्स को और क्रिटिकल सेक्शन को, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये बेसिकली एक राउंड टेबल है जिसके अंदर 5 फिलोसोफर बैठे हुए हैं और 5 यहाँ पे चॉपस्टिक है, बीच में एक राइस बाउल है। अब ये 5 जो फिलोसोफर हैं, P0, P1, P2, P3 एंड P4, ये 5 जो फिलोसोफर हैं इनको चॉपस्टिक का यूज करके राइस बोल से राइस लेके खाने हैं, ठीक है। तो ये C0, C1, C2, C3, C4 5 हमारी चॉपस्टिक्स हैं। आप बोल सकते हो ये जो फिलोसोफर हैं ये हमारे प्रोसेसेस हैं जिनके बीच में ये रिसोर्सेज हैं जो कि शेयरिंग मोड पे है, और ये क्या है, हमारा क्रिटिकल सेक्शन है जिसको यहाँ पे असेस करना है। अब अगर किसी भी फिलोसोफर को ये राइस बाउल जो है इससे राइस लेके ईट करने हैं तो उसको चाहिए 2 चॉपस्टिक, एक उसकी लेफ्ट वाली एक उसकी राइट वाली। सपोज P1 को राइस बाउल से राइस लेके ईट करने हैं तो उसके पास होनी चाहिए C1 और C2 दोनों ही चॉपस्टिक। पहले वो उठाएगा लेफ्ट वाली चॉपस्टिक, फिर उठाएगा राइट वाली और फिर ईट करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे वो 2 बेसिकली काम कर रहा होगा, कोई भी एक फिलोसोफर 2 काम करेगा, या तो वो ईट करेगा राइस बाउल को या फिर थिंक करेगा, मतलब या तो वो दोनों की दोनों चॉपस्टिक्स को उठा के राइस को ईट करेगा या फिर क्या करेगा, थिंक करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसका कोड लिखा हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं टेक चॉपस्टिक और पुट चॉपस्टिक, 2 यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। टेक चॉपस्टिक में ये जो आई देख रहे हो, सपोज हम बात कर रहे हैं अभी P1 प्रोसेस की, P1 प्रोसेस के लिए आई क्या हुआ हमारा 1, तो टेक चॉपस्टिक आई, तो चॉपस्टिक जो 1 है वो उठाएगा ये पहले, ये लेफ्ट वाली चॉपस्टिक है हमारी, P1 की लेफ्ट वाली चॉपस्टिक उठाएगा पहले, उसके बाद है चॉपस्टिक I+1 मोड 5। आई हमारा यहाँ पे 1 है, 1+1 इज 2, 2 मोड 5 इज 2, तो C2 आ जाएगी हमारी, मतलब चॉपस्टिक नंबर 2 जो कि इसकी राइट चॉपस्टिक है। तो ये ऑपरेशन यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कैसे ये काम कर रहा है एक्चुअल में। तो ये जो फिलोसोफर P1 है ये क्या करेगा, पहले C1 और फिर C2 चॉपस्टिक को उठाएगा और ईट करना स्टार्ट करेगा। ये है हमारा क्रिटिकल सेक्शन ईटिंग वाला। उसके बाद क्या करेगा, जब उसका काम खत्म हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा, मतलब उसने खाना जब कंप्लीट कर लिया तो वो क्या करेगा, पुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा दोनों चॉपस्टिक्स के लिए। चॉपस्टिक आई मतलब यहाँ पे CI को पहले पुट कर देगा, रिलीज कर देगा, उसके बाद क्या करेगा I+1 1+1, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है ना, क्योंकि हम फिलोसोफर 1 के लिए बात कर रहे हैं, तो 1+1 इज 2, 2 मोड 5 इज 2, तो हमारा C2 हो गया, मतलब चॉपस्टिक नंबर 2 क्या करेगा, फिर उसके बाद रिलीज कर देगा। तो पहले उसने लेफ्ट वाली चॉपस्टिक को उठाया और फिर राइट वाली को, और जब रिलीज करेगा तो पहले लेफ्ट वाली को रिलीज करेगा और फिर राइट वाली को, और उसके बाद क्या है, थिंक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो सकता है। तो ये सारा था हमारा बेसिक, यहाँ पे कैसे काम इसका परफॉर्म हो रहा है, कैसे यहाँ पे काम हो रहा है। अब देखते हैं, चलो अगर सपोज P1 क्या करता है, लेफ्ट वाली चॉपस्टिक को ले लेता है और राइट वाली चॉपस्टिक को भी ले लेता है, तो ये दोनों की दोनों हमारी क्या हो गई है, बिजी हो गई है। उसके बाद सपोज P0 स्टार्ट करना चाह रहा है ईटिंग, वो भी मतलब क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा है। पहला एक प्रोसेस है, उसने शेयरिंग मोड वाले रिसोर्सेज को यूज कर लिया है, यूज करने के लिए उसने ले लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो भी यूज करना चाह रहा है शेयरिंग मोड के एक रिसोर्स को, जैसे कि C1 है, इसको भी C1 की नीड पड़ेगी और C0 की नीड पड़ेगी। अब C0 तो वो इजीली ले सकता है, लेकिन C0 वो नहीं ले सकता है, जब उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो ये 2 रिक्वायरमेंट है उसकी जो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाएंगी। तो कहने का ये मतलब है जो हमारे एडजेसेंट यहाँ पे फिलोसफर्स हैं वो साइमल्टेनियसली क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम बात करें P4 और P1 प्रोसेस की, इनके बीच में जो हमारे शेयरिंग मोड पे रिसोर्सेज हैं, या आप बोल सकते हैं जो चॉपस्टिक है फिलोसोफर P1 के लिए वो C2 और C1 है, और जबकि जो हमारा फिलोसोफर 4 है उसके लिए C0 और C4 है, मतलब ये इंडिपेंडेंट फिलोसोफर हैं। और अगर ऐसे ही हम बात करें प्रोसेस से रिलेटेड, तो ये 2 प्रोसेस क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, जिसका एक दूसरे से अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो ऐसे प्रोसेसेस जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो एक टाइम में असेस कर सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या देखा, जो इंडिपेंडेंट प्रोसेस है जैसे P1 और P4, और अगर P0 की बात करें तो यहाँ पे P0 और P3 भी क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, तो ये भी साइमल्टेनियसली जा सकते हैं। तो कौन से प्रोसेस जा सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट है और जो डिपेंडेंट है, क्योंकि ये शेयरिंग मोड में था हमारे P1 और P0 के बीच में,
ये शेयरिंग मोड पे है हमारे पी नॉट और पी फोर के बीच में, ये शेयरिंग मोड में है हमारे पी थ्री और पी फोर के बीच में, ये जो पी टू और पी थ्री प्रोसेस है इनके बीच में ये शेयरिंग मोड में, तो ये इकट्ठे नहीं जा सकते, ये जो कॉम्बिनेशन है ये इकट्ठा नहीं जा सकता। अब बात करेंगे सेमाफर की, यहाँ पे हम सेमाफर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा सेमाफर होता है वो एक वेरिएबल इंटीजर होता है जिसके अंदर कुछ वैल्यू होती है, उस वैल्यू का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल सेक्शन को असेस करवा सकते हैं। जो होता क्या है, उसमें दो हमारे मेन ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। जो पहला ऑपरेशन है वो वेट ऑपरेशन है जिसको हम परफॉर्म करवाते हैं एंट्री सेक्शन पे, या बोल सकते हो जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना है उससे पहले, और जो हमारा सिग्नल ऑपरेशन होगा उसको हम करवाएंगे एग्जीक्यूट जब हम एग्जिट सेक्शन पे होंगे। मतलब हम जब ईट करेंगे उससे पहले हमें वेट ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना है, ईट करने के बाद हमें सिग्नल ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना है। और आपको थोड़ा रिमाइंड करवाने के लिए मैं बता दूं कि वेट ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, डिक्रीमेंट करवाते हैं बाय वन सेमाफोर की वैल्यू को। सपोज अगर हमारी वैल्यू जो है सेमाफोर की वो लेस देन और इक्वल टू जीरो है, तो वहां पे कंट्रोल रहेगा, लूप में ही चलता रहेगा, वहां पे कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा, मतलब आपका प्रोसेस क्या है, ब्लॉक हो जाएगा अगर सेमाफोर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जीरो है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगी, सेमाफोर की वैल्यू एक से डिक्रीज हो जाएगी और फिर ईटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और उसके बाद जब ईटिंग का प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो हम जब अपने एग्जिट सेक्शन में आएंगे तो हमें परफॉर्म करना होगा ऑपरेशन सिग्नल, और सिग्नल के केस में क्या होता है, हमें सेमाफोर की वैल्यू को एक से इंक्रीज करवाना पड़ता है। अभी जो हम ले रहे हैं वो हम स्टार्टिंग का केस ले रहे हैं जिसके अंदर हमारे जो फिलोसफर हैं पी नॉट से लेके पी फोर तक सारे के सारे अभी आइडल बैठे हैं, थिंक कर रहे हैं, और इन्होंने एक ने भी चॉपस्टिक उठाई नहीं है, सारी चॉपस्टिक क्या है रखी हुई है टेबल के ऊपर। तो उस केस में जो हमारे सेमाफोर की वैल्यू होगी, तो आगे अगर हम देखें सेमाफोर की वैल्यू, तो हम यहाँ पे लेंगे एस नॉट से लेके एस फोर तक, क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस है चॉपस्टिक का और जो फिलोसफर है उनका यही सीक्वेंस है। स्टार्टिंग में जो वैल्यू रहेगी सबकी वन रहेगी, क्योंकि जो अभी चॉपस्टिक है वो अभी किसी भी फिलोसफर ने उठाई नहीं है। अगर इसकी इन सब की वैल्यू जीरो रख देंगे तो ये यहाँ पे लूप घूमता रहेगा और आगे का प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो पाएगा, इसीलिए इनकी स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है, इनिशियलाइज किया हमने वन से। ये जो आप एस नॉट एस टू एस वन ये सब जो देख रहे हो वैल्यू, ये हमने चॉपस्टिक के कोरस्पॉन्डिंग ही ली है। जो चॉपस्टिक जीरो है हमारी सी नॉट, वो हमारे कोरस्पॉन्डिंग उसके सेमाफोर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, एस नॉट है, सी वन के एस वन, सी टू के एस टू, सी थ्री के एस थ्री, सी फोर के एस फोर। तो अब देखते हैं कैसे ये काम करेगी। अगर हम बात करें पी नॉट प्रोसेस के लिए हमारी वेटिंग की, जो ये दो ऑपरेशंस है वेटिंग के लिए, जो एक लेफ्ट चॉपस्टिक के लिए एक राइट चॉपस्टिक के लिए है, पी नॉट के लिए देखें तो पी नॉट के लिए पहले लेफ्ट वाली चॉपस्टिक कौन सी होगी, आई यहाँ पे क्या है जीरो, हम आई क्या ले रहे हैं जीरो, पी आई प्रोसेस यहाँ पे क्या है पी नॉट, तो आई हो गया हमारा जीरो मतलब सी नॉट। और दूसरा हमारा क्या हो गया राइट चॉपस्टिक कौन सी होगी, सी ऑफ आई प्लस वन, मतलब जीरो प्लस वन इज वन, वन मोड फाइव इज वन, तो सी वन। तो इसकी कौन कौन सी चॉपस्टिक इसको चाहिए पी नॉट को, सी नॉट और सी वन, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने कौन कौन से सेमाफोर लिए हुए हैं एस नॉट और एस वन। अब यहाँ पे पी नॉट के लिए सी नॉट और सी वन चॉपस्टिक है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है हमारी सेमाफोर की वैल्यू एस नॉट और एस वन है। जब ये एंटर कर गया है ये जब हमारा काम कर गया और ये एंटर कर गया 18 सेक्शन में, तो इनकी वैल्यू डिक्रीज बाय वन हो जाएगी। यहाँ पे हमें पता है वेट ऑपरेशन में क्या होता है, जो सेमाफोर की वैल्यू डिक्रीज बाय वन होती है, तो यहाँ पे डिक्रीज बाय वन हो गई है। जब तक ये रिलीज नहीं करेगा, जैसे सपोज अगर हम पी वन प्रोसेस को भी साइमल्टेनियसली भेजते हैं, मतलब पी वन जो फिलोसफर है उसको भी साइमल्टेनियसली यहाँ पे बोले ईट करने को, तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए जो अगर हम चॉपस्टिक देखें लेफ्ट और राइट क्या होंगी, सी आई हमारा क्या है यहाँ पे सी वन, यहाँ पे वन वैल्यू है सी वन, और जो हमारा चॉपस्टिक राइट वाली होगी आई प्लस वन, मतलब वन प्लस वन, टू मोड फाइव इज टू, तो यहाँ पे सी टू। ये ऑलरेडी इसके लिए जो वैल्यू है सेमाफोर की वो एस वन होने वाली है और इसके कोरस्पॉन्डिंग एस टू होने वाली है। इसकी वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी क्या है, जीरो है, क्योंकि अभी जो हमारा पी ए वन था जो फिलोसफर वन है वो ईट कर रहा है, वो इसको चॉपस्टिक नहीं देगा, तो ऑब्वियसली हमारी सेमाफोर का यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो जीरो रहेगी, और जीरो के केस में ये यहीं पे लूप घूमता रहेगा, मतलब हमारा जो पी वन है इस केस में क्या है, ब्लॉक हो जाएगा। तो हमें वैसे भी हमने देखा था यहाँ पे भी कि ये हमारे डिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं, ये हमारे डिपेंडेंट फिलोसफर हैं या प्रोसेसेस हैं जो साइमल्टेनियसली यहाँ पे काम नहीं कर सकते। ये जो टेबल देख रहे हो ये मैंने बनाई है फिलोसफर पी नॉट से लेकर पी फोर तक की, कौन कौन से इनको सेमाफोर की वैल्यूज रिक्वायर्ड है। और अब अगर इस टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो पी नॉट और पी वन साथ साथ नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे जो चॉपस्टिक वन है ये दोनों में शेयरिंग मोड पे है, तो दोनों एक साथ सेम चॉपस्टिक को नहीं उठा सकते हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट की बात करें तो पी नॉट और पी टू एक साथ जा सकते हैं। यहाँ पे पी नॉट और पी टू के बीच में देखें तो यहाँ पे एस नॉट
S1, S2, S3, ये अलग अलग यहाँ पे सेमाफोर की रिक्वायरमेंट है, तो ये दोनों एक साथ जा सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, मतलब ईट कर सकते हैं हमारे P0 और P2 फिलोसफर। अगर P1 और P3 की बात करें तो ये भी एक साथ यहाँ पे ईट कर सकते हैं। अब जो दूसरा केस है वो क्या है यहाँ पे, अगर हम P0 फिलोसफर को ले रहे हैं, अब अगर हम P0 से स्टार्ट करें और P0 को देखें, तो वो पहले C0 और C1 दो चॉपस्टिक्स को उठाएगा, लेकिन अगर वो दूसरी वाली को नहीं उठाता और पहली वाली के बाद ही प्रिंट हो जाता है, मतलब कोई दूसरा हमारा फिलोसफर आ जाता है, सपोज P1 आ जाता है और वो कोशिश करता है उठाने की अपनी लेफ्ट वाली को, तो उसकी लेफ्ट में है हमारी C1 चॉपस्टिक और वो उठाता है, जैसे ही वो राइट वाली उठाने लगता है वो भी प्रिंट हो जाता है, तो फिर फिलोसफर अगर सेकंड आता है तो सेकंड फिलोसफर अपनी राइट वाली उठाने से पहले पहले क्या उठाएगा, अपनी लेफ्ट वाली उठाएगा जो है कि C2, ये इसको भी उठा सकता है क्योंकि ये अभी अवेलेबल है। राइट वाली को उठाने से पहले क्या है हमारा, वो प्रिंट हो जाएगा और फिलोसफर थर्ड आ जाएगा, और थर्ड फिलोसफर भी क्या करेगा, चॉपस्टिक नंबर थर्ड उठाएगा क्योंकि ये उसकी लेफ्ट चॉपस्टिक है, वो फोर्थ को नहीं उठा पा रहा है और उससे पहले ही प्रिंट हो रहा है, तो उसके बाद फिलोसफर फोर आ रहा है और चॉपस्टिक नंबर फोर को वो उठा रहा है। तो इस तरीके से अगर काम हो रहा है तो देखो सबके सब ब्लॉक स्टेट में है, ये पूरे के पूरे ब्लॉक हो जाएंगे हमारे P0 से लेके P4 तक, क्योंकि सबके पास क्या है, लेफ्ट चॉपस्टिक है, राइट किसी के पास भी नहीं है। अगर अब इस केस में अगर देखो, अब यहाँ पे हम बात करें इस केस में, अगर इसके बाद P0 दोबारा से काम करता है और वो S0 को उठाना चाहता है तो वो नहीं उठा पाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ये वाला सब ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि लेफ्ट वाली चॉपस्टिक है ये इन सभी की, और ये सारी की सारी क्या है, इन्होंने उठा रखी है। तो S1 जो है हमारा किसके कोरस्पोंडिंग है, C1 के कोरस्पोंडिंग है, जो चॉपस्टिक नंबर 1 है वो बिल्कुल भी P0 को अब नहीं मिलने वाली है। इस तरीके से क्या है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो सकता है, इसके लिए क्या क्या स्कीम है, ये सारे के सारे जो P0 से P3 है ये पहले अपनी लेफ्ट उठाए, लेफ्ट वाली चॉपस्टिक उठाए, और जो हमारा P4 है वो लेफ्ट ना उठा के पहले राइट उठाए और फिर वो लेफ्ट उठाए। अगर ये काम यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है तो ये सॉर्ट आउट हो जाता है। देखो कैसे, P0 क्या करेगा, C0 को उठाएगा, P1 क्या करेगा, C1 को उठाएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा, P2 क्या करेगा, हमारे C2 को उठाएगा और फिर प्रिंट हो जाएगा, फिर P3 क्या करेगा, C3 को उठाएगा और प्रिंट हो जाएगा। अब P4 क्या है, C0 को उठा ही नहीं पाएगा, कैसे उठाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो ये ब्लॉक स्टेट में चला गया हमारा प्रोसेस, ये ब्लॉक हो गया है। अब P3 के पास क्या रिक्वायरमेंट है, S4 की रिक्वायरमेंट है, मतलब हमारी जो चॉपस्टिक 4 है उसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये इसकी फुलफिल हो जाएगी क्योंकि ये यहाँ पे P4 ने उठाई नहीं है अभी तक, है ना, ये अवेलेबल है अभी तक चॉपस्टिक नंबर 4, देख रहे हो आप C0 से लेके C3 तक यूज हुई है, C4 बिल्कुल अवेलेबल है, तो ये उठा लेगा और इसका जब काम खत्म हो जाएगा तो ये क्या कर देगा, C3 और C4 दोनों को ही रिलीज कर देगा। अब C3 C4 दोनों ही क्या है यहाँ पे अवेलेबल है, और जब ये अवेलेबल है तो P2 को क्या है, C3 मिल सकती है इजिली, और इसका भी काम खत्म हो जाएगा, तो अब क्या है हमारी C2 भी अवेलेबल है, C2 अवेलेबल है तो C2 हमारा P1 इजिली ले सकता है, और फिर जब काम खत्म हो जाएगा तो C1 और C2 दोनों को रिलीज कर देगा। C1 और C2 जब रिलीज हो जाएंगी तो हमारा P1 क्या है, C1 को ले सकता है और अपना काम कंप्लीट कर देगा। अब इस केस में हमारा C0, C1, C2, C3, C4 चारों की चारों चॉपस्टिक क्या है, P0 के काम खत्म होने के बाद बिल्कुल फ्री होंगी, और उस केस में हमारा P4 भी क्या है, अपना काम इजिली कर सकता है। ये था इसका एक सोल्यूशन, और इस तरीके से यहाँ पे रेस कंडीशन अक्कर होती है। यहाँ पे रेस कंडीशन तब अक्कर होगी जब हमारे सारे प्रोसेसेस क्या चाहेंगे, एक बार में हमारे क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि जब हमारे सारे फिलोसफर क्या चाहेंगे, ईटिंग करना चाहेंगे, उस टाइम पे रेस कंडीशन अक्कर होगी, और कोई भी प्रोसेस क्या है, कोई भी हमारा फिलोसफर क्या है, क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा। डेडलॉक की सिचुएशन जब अक्कर हो जाएगी, जब सारे के सारे क्या है, पहले लेफ्ट चॉपस्टिक को उठा लेंगे और राइट किसी को नहीं मिलेगी, और सारे के सारे एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ब्लॉक कर लेंगे, और ये प्रोसेस कभी भी पूरा फिर नहीं हो पाएगा। तो ये थी हमारी डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, आई होप आपको इजीली समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।